तो भाई लोग, जैसा कि आपने देख लिया है टाइटल और थंबनेल में ना, कि इस वीडियो में हम लोग दो चीनों के बारे में बात करने वाले हैं। चीनों मतलब चीनो पैंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनका ना टोटल कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको बता के भी जाएंगे कि चीनो खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये जो चीनो है आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे वीडियोज हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेके आते रहते हैं। तो गाइज, आपको मेरा नया लुक कैसा लग रहा है कमेंट में कुछ भवाई कर ही दीजिएगा। तो भाई, अब बात करने वाले हैं कि चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या ऑफिस एम्प्लॉय, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। पहले नंबर पे फिटिंग्स का ध्यान रखना है। स्लिम फिट, रेगुलर फिट और रिलैक्स फिट, तीन टाइप के फिट होते हैं, एक दो और होता है, मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। तो स्लिम फिट, जो बंदे स्किनी हैं, ऑफिस जाते हैं, नहीं जाते, कॉलेज जाते हैं, नहीं जाते, स्कूल जाते हैं, जो भी हैं, तो आप अगर स्किनी हैं, ज़्यादा स्किनी है, तो आप स्किनी फिट या स्लिम फिट उठा लीजिए। उसके बाद रेगुलर फिट जो है, जो लोग अपना ऑफिस जाते हैं या ऑफिशियल कुछ काम है, फॉर्मल टाइप का उनका काम है, तो उनके लिए होता है रेगुलर फिट। नेक्स्ट आ जाते हैं जो रिलैक्स फिट है, वो लोग जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए रिलैक्स फिट काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि वो रिलैक्स फिट पहन के कॉलेज में पूरे दिन कंफर्टेबली आराम से मूव अप कर सकते हैं, कि कॉलेज में काफ़ी सारे काम होते हैं, कभी लैब भी जाना होता है, कभी कभी किसी किसी इवेंट में भी जाना पड़ जाता है, किसी कभी ऑफिस में, कॉलेज में अनेक तरह के काम होते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है अपना बैगी फिट। बैगी फिट उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है और बैगी कपड़े का ना ट्रेंड आने वाला है, तो बैगी फिट उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा जो ट्रेंड में है। चाहे आप, अगर आप ट्रेंडी है, फैशनेबल है, तो आप ऑफिस में भी पहन के जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं उसको, और या कॉलेज में भी कैरी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल। मटेरियल यहाँ पे चीनों में जनरली दो टाइप के देखे जाते हैं, कॉटन और कॉटन ब्लेंड। पर्पसेस में ना पॉलिएस्टर के भी चीनो पैंट मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, बट मैं उसको रिकमेंड आपको नहीं करता हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक तो अपना है ये कॉटन से मिलकर बना हुआ, 100% कॉटन से मिलकर बना हुआ, ब्रांड जो है रोडेस्टर की तरफ से ये चीनो पैंट आने वाला है, ठीक है, ये 100% कॉटन से मिलकर बना हुआ है और इसमें अपने को स्ट्रेच देखने को नहीं मिलती है। दूसरा नंबर जो अपना पैंट है ना, ये अपना केज ब्रांड की तरफ से है, इसमें थोड़ा सा अपने को हल्का स्ट्रेच देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल और ज़्यादा स्ट्रेच वाले चीनो पैंट लेना चाहते हैं, तो हमने ना पीछे स्नीच का एक चीनो पैंट रिव्यू किया है, अभी मैंने उसको पहन के थोड़ा गंदा कर दिया, इसीलिए वीडियो में दिखाना उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा स्पैंडेक्स मटेरियल मिलकर बना हुआ है, वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो मटेरियल जब भी आप लोग चीनो मटेरियल में पहले नंबर पर कंसिडर करो, या तो 100% कॉटन हो, या थोड़ा सा अगर आप ब्लेंड चाहते हैं तो उसमें स्पैंडेक्स या लाइक्रा मिक्स हो, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी भी रहे, तो आपको बैठने उठने में भी काफ़ी आसानी हो। बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट अपना कलर का है, तो गाइज कलर में ना क्लासिक कलर होते हैं अपने कुछ, और कुछ होता है वाइब्रेंट कलर। तो क्लासिक कलर में अपना जो हमने दो कैटर किए हैं, एक अपना आ जाता है नेवी ब्लू ये वाला, और दूसरा है अपना ग्रे कलर का ये वाला, ठीक है। ये क्लासिक कलर कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई ऑफिस एम्प्लॉई हो, दोनों के दोनों इसको कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों पैंट का लिंक अगर आपको चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दे देने वाला हूँ। अगर इन दोनों के प्राइस की बात करें, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है स्टाइल और डिजाइन, तो स्टाइल और डिजाइन में चीनो पैंट दो टाइप के होते हैं, एक फ्लैट फ्रंट होता है और दूसरा प्लीटेड होता है। तो जो भी कॉलेज स्टूडेंट है या थोड़े से यंग एज के बंदे हैं, मैं उनको ना फ्लैट वाले जो चीनो होते हैं वही रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप थोड़े से एजी हो और आप ऑफिस जाते हो, मतलब 30 प्लस हो, 32-35 के हो और आप ऑफिस जाते हैं, तो थोड़ा सा आप प्लीटेड वाले ना चीनो पैंट वो भी आप ट्राई कर सकते हो, देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा फॉर्मल टाइप का, थोड़ा सा जो कन्वेंशनल स्टाइल है उसको भी वो कैरी करता है। नेक्स्ट आ जाता है लेंथ। मैं हमेशा लेंथ ना जो है फुल लेंथ ही किसी को भी रिकमेंड करता हूँ, आपको भी करूँगा। क्रॉप लेंथ के लिए मत जाइएगा, नहीं तो वो छपरी टाइप का दिखने लगता है। आप हमेशा फुल लेंथ का खरीदिए, अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक है, उसको थोड़ा सा आप जूते के ऊपर रख लीजिए चीनो पैंट को, एक दो आपके वो बन सकते हैं, जो भी वहाँ पर बनते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, आपको अगर पता होगा तो लिख देना, एक दो वहाँ पर बन सकते हैं चूड़ी जो भी बनता है। और बाकी अगर आप क्रॉप लेंथ के लिए जाओगे ना, जब भी आप ऑफिस में बैठोगे वो काफ़ी ऊपर हो जाता है और आपके जो 900 का वाला पार्ट है वो दिखने लग जाता है, तो उसमें काफी लोग कंफर्टेबल नहीं हो। वो आपकी प्रेफरेंस है, चॉइस है, लेकिन जो मेरा रिकमेंडेशन है, हमेशा आप फुल लेंथ के चीनो पैंट लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड और बजट। तो गाइस ब्रांड की बात करें ना, तो काफी सारे एम्पल अप ब्रांड है, और बजट की बात करें तो चलिए इन्हीं दोनों का बजट बता देते हैं आपको। इसके लिए हमने केवल 437 रुपए पे किया है और इस वाले ग्रे के लिए हमने केवल 498 रुपए पे किए हैं, यानी कि 500 के अंदर में दोनों चीनो पैंट अपने को देखने को मिल रहे हैं। और मेरा यकीन मानिए कि आपके कॉलेज और ऑफिस लाइफ को ना
काफी आसान बना देंगे लो बजट में। अगर अफोर्डेबल चिनो पैंट आप लेना चाहते हैं तो ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल और हैं ऑनलाइन, तो हमने ना ब्रांड्स के ऊपर और रिकमेंडेशंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है चिनोज पैंट्स के लिए, तो जाके उसको जरूर चेकआउट करिएगा। वो आपको मेरे चैनल पे विजिट करने से मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट और लास्ट जो अपना पॉइंट है वो है ओकेजन। तो गाइस ओकेजन में हमने दो टाइप के ओकेजन कैटर करने की कोशिश की, कैजुअल और फॉर्मल। तो अगर आप कैजुअल ओकेजन के लिए चिनो पैंट ढूंढ रहे तो आप रिलैक्स और बैगी फिट जो चिनो पैंट है उसके लिए जा सकते हैं। हमने बैगी चिनो पैंट को भी अनबॉक्स किया है यहाँ पे, एक नहीं काफी सारे बैगी चिनो पैंट हमने आपको दिखाए होंगे, तो आप जाके बैगी वाला चिनो पैंट कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको बैगी चाहिए तो। इसके अलावा अगर आप पूरा फॉर्मल अटायर में चाहते हैं तो रिलैक्स वाला चिनो पैंट चेकआउट करिए, ये दोनों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं जो मैंने आपको दिखा दिया। या इसके अलावा भी हमने काफी सारे वीडियोज बनाए हैं चिनो पैंट्स के ऊपर, अनबॉक्सिंग भी किए हैं पिछले सीजन में, उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों चिनो पैंट्स में से कोई एक अच्छा लगा हो जो आप अपने लिए उठा सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करी वो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक एक बार जरूर मार दीजिए और शेयर कर दीजिए दो चार दोस्तों को। अगर शेयर करने में आपको परेशानी होती है ना भाई, तो जब भी आप अपने दोस्तों से मिलना एक बार उनसे डिस्कस जरूर करना मेरे चैनल के बारे में, कि मैं यहाँ पे ना लोगों की हेल्प करता हूँ कि ऑनलाइन कोई भी आप कपड़ा खरीदते हो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना एक ऐसा कपड़ा डिलीवर हो जो आपको रिटर्न ना करना पड़े और आपके लिए बेस्ट फिट में भी आए। अब फिटिंग की बात चल गई है, ये दोनों पैंट मेरे में फिट है आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। अगर आप मेरा रेफरेंस लोगे तो मेरा वेट ना 80 केजी के आसपास है और मेरी हाइट 5.8 इंचेस का है और मेरा जो वेस्ट साइज है 32 है, तो मैंने इन दोनों पैंट को ऑर्डर किया है। इसके अलावा इनके इंडिविजुअल अनबॉक्सिंग भी मैंने डाल दिया है, उस आके वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, माय लवली फ्रेंड्स।